स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में हड्डी रोग, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल कुमार। डॉक्टर निर्मल, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। पहले कहा जाता था कि उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, और उसके बाद कमर दर्द, कंधे का दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा देखा जाता है कि हमारी बदलती जीवन शैली, खान पान और कार्य प्रणाली की वजह से कई हड्डी के रोग जो हैं वो शुरुआत से ही, शुरुआत कहने का अर्थ है कि 17-18 साल या इससे भी कम उम्र की लड़कियों में या लड़कों में देखने को मिलता है। ये समस्याएं कई तरह की होती हैं, कभी घुटनों में दर्द देखा जाता है तो कभी कुल्हों में देखा जाता है। समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और ऐसा देखा जाता है कि एक उम्र ढलने के बाद ये समस्याएं अपना बहुत ही विस्तार रूप में देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह की समस्याएं ना हो, ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, हमें इस तरह की बीमारी ना हो और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, चलिए आज के कार्यक्रम में इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में हड्डी रोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। मतलब हर किसी से पूछिए तो बोलेगा मुझे बैठने में बहुत परेशानी हो रही है, तो मुझे कंधा उठाने में परेशानी हो रही है, तो हाथ को मोड़ने में परेशानी हो रही है। यानी कम से कम उम्र के भी लोगों में भी ये समस्या देखी जा रही है, और बड़े उम्र की समस्या तो है ही। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी समस्या देखने को मिल रही है और इसका कारण क्या है। जी, मैं चाहूँगा कि हम इसको उम्र वार तरीके से देखने की कोशिश करें। जी, तो अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो चूंकि हड्डी जो है उसका भी अपना एक रिजर्व होता है। जी हाँ। तो आप एक प्रारंभिक उम्र में जैसे जैसे आपका शारीरिक विकास होता है और जो आपका शरीर का ढांचा जैसे जैसे बढ़ता है, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है जीवन का। और जैसा हम सभी जानते हैं कि 30 के उम्र के बाद जी, जो हमारा हड्डी का रिजर्व है, जो हमारा हड्डी है उसका BMD या जो खनिज का घनत्व है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो किशोरावस्था में वो उसका जो पीक होता है या उसका कहें सबसे जो सही और सबसे जी उच्चतम स्थिति है, तो वो अगर सही शुरू से खान पान सही ना हो, या फिर जैसे दिनचर्या में एक्टिविटी शामिल ना हो, काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, घर में ज़्यादा रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, जी आराम हाँ, पसंद है, पसंद है, या फिर कई तरह की लत है खान पान को लेकर जिसमें आप कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खान पान नहीं लेते हैं, तो इन सब कारणों से शुरू से ही हड्डियाँ आपकी कमज़ोर रह सकती हैं, जो समय से पहले ही, क्योंकि एक वृद्धावस्था या ऐसे में भी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर किशोरावस्था में ये समस्या आ गई तो आगे चल के ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर किशोरावस्था में खास करके दिक्कतें जो ज़्यादा देखने को आजकल मिलती हैं उसकी बात करें तो हम गर्दन से स्टार्ट कर सकते हैं। गर्दन गर्दन में दर्द की समस्या अक्सर रहता है, और उसका जो खास करके कारण हम कह सकते हैं वो है लंबे अवस्था तक एक ही पोस्चर में बैठना, एक ही स्थिति में बैठना। तो गलत पोस्चर जैसे मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करना, या फिर जो काम का जो है या पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो जिस तरह से लैपटॉप या फिर डेस्क जॉब करते हैं, वो गलत पोस्चर की वजह से समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। उसी तरह बैकएक की समस्या भी कॉमन है जी, और बैक में भी पोस्चर एक बहुत मायने रखता है, जिसमें बैठने का तरीका, सोने में आप जिस तरह के बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से लेटकर आप गलत तरीके से TV देखते हैं या अन्य तरह के क्रियाकलाप में आप ये हैं, और साथ में ज़्यादा एक्टिव नहीं है फिजिकली, तो कमर दर्द की समस्या भी ज़्यादा आम है किशोरावस्था में। जी, तो गले का दर्द, कमर दर्द जो है वो आमतौर पे देखने को मिल रहा है, और उसकी समस्या जो है उसका मुख्य कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि TV, मोबाइल, कंप्यूटर या हमारी बैठने की स्थिति जो है वो उत्तरदायी है। जी।
अगर हम इससे आगे बढ़ें तो देखा जाता है गर्भावस्था, गर्भावस्था से गुजरने वाली महिलाओं में भी देखा जाता है कि पेट दर्द की समस्या और कमर दर्द की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके बारे में बताइए। जी, गर्भावस्था डेफिनेटली इसमें देखिए दो तीन चीज़ें बदलाव हैं जो प्राकृतिक तौर पे होती हैं, और इसलिए होता है ताकि जो प्रकृति है वो शरीर को प्रसव के लिए तैयार करता है। जी तो हाँ, इसमें हार्मोन्स का काफ़ी रोल है, और जो हड्डियाँ होती हैं जिनसे वो जुड़ी होती लिगामेंट्स, वो धीरे धीरे लैक्स होती हैं या धीरे धीरे नर्म पड़ती हैं ताकि प्रसव के दौरान कोई दिक्कत ना आए। अब इसका दिक्कत ये है कि जैसे जैसे उदर बढ़ता है, जी हाँ, ट्राइमेस्टर बढ़ता है और बच्चे का विकास होता है, तो उसमें हमारे स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें भी आगे की तरफ झुकाव होने लगता है, जिसे हम अपनी भाषा में एक्सेसिव लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं या प्राइड ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। जी तो हाँ, वैसी व्यवस्था में ये स्वाभाविक है कि दर्द होगा, क्योंकि आप जो पहले से आप जिस चीज़ को जिस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं हैं वैसे एक अवस्था है। जी हाँ, आप गर्भधारण के दौरान बच्चे के वज़न भी जैसे जैसे बढ़ता है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पहले तो ये समझें कि ये एक प्रकृति का ही एक प्रारूप है, एक अवस्था है, इसलिए ये कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जी तो इसकी तैयारी पहले ट्राइमेस्टर से या गर्भ के शुरुआत से ही होना चाहिए, और इसमें जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं यानी जो आपके जच्चा बच्चा के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से शुरू से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे भारतीय महिलाओं में बहुत कम है। उसके अलावा कई बार हो सकता है कि आपको दर्द ज़्यादा भी हो जिसकी वजह से आपको कुछ दवाइयों का सेवन करना पड़े, तो दवाइयाँ बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, और यूजुअली हम लोग पैरासीटामोल ही प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो एक सेफ़ दवा माना जाता है। और इस तरह से अगर एक्सरसाइज ढंग से रखें और शुरू से एक्सरसाइज करें तो ये समस्या कम होती है। जी, गर्भावस्था के बाद हम बात कर ले प्रौढ़ावस्था की, जबकि महिलाओं में जैसा किशोरावस्था में महिला लड़कियों के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, मासिक की शुरुआत होती है और कई तरह के हार्मोन जो है वो परिवर्तित होते हैं, वैसे ही जब वो ढलती उम्र 40 के बाद से ऐसा समझा जाता है कि महिलाओं में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहाँ उनका मासिक जो है वो बंद होने लगता है, और ऐसी अवस्था में देखा जाता है कि उनके शरीर में कई तरह के हार्मोन जो हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं, कैल्शियम की जो है वो कमी होने लगती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि अगर महिला को हल्की सी भी चोट लगे तो कई बार देखा जाता है कि वहाँ की हड्डियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाती हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा जी कि जो पीक होता है वो 30 वर्ष तक ही आता है और उसके बाद हड्डी के घनत्व का ह्रास ही होना है, तो शुरू से ही ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है। अब जैसा आपने कहा कि एक अवस्था के बाद जब मीनोपॉज के नज़दीक महिलाएँ पहुँचती हैं तो उसमें वाकई एस्ट्रोजन और इन सब की जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी होती है, तो जो पुरुष के मुकाबले उनका जो पहले से एक एडवांटेज रहता है प्राकृतिक तौर पे वो ख़त्म हो जाता है। तो पेरीमेनोपॉजल फेज जब आपका मासिक इरेगुलर हो जाए, जब वो बंद होने के कगार पे हो, जी, तो ये भी एक सही समय है जब आप अपने खान पान में कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा ये सब बढ़ाएं, क्योंकि मासिक बंद होने के प्रथम 5 वर्ष में ये ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो सकती हैं महिलाएं, अगर खास करके पहले से उनका पूर्ण मिनरल डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उतना सही से नहीं रहा है शुरू से। तो इसमें ये ज़रूरी है कि खान पान जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स या फिर आहार से लिया जाए, और उसके अलावा एक्टिविटीज़ रेगुलर होना ज़रूरी है जिसमें 20 मिनट का व्यायाम जो नियमित तौर पर हो, खास करके हल्का फुल्का वज़न उठाने का भी उसमें शामिल हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। जी, अभी आपने जिक्र किया ऑस्टियोपोरोसिस का, अगर हम हड्डी रोग की बात करें तो 3 या 4 बीमारियों की जो नाम है वो बहुत तुरंत तुरंत आती है, वो होती है स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पर हम आपसे एक एक करके जानना चाहेंगे कि ये बीमारियाँ क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए। तो जैसा आपने कहा स्पॉन्डाइलोसिस, तो हम शुरुआत करते हैं स्पॉन्डाइलोसिस से। स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली हम रीढ़ की हड्डियों के लिए टर्म यूज़ करते हैं, तो जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हम बोलते हैं। तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी या फिर कमर की रीढ़ की हड्डी ये जब घिसने लगती हैं तो इसको हम स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं,
और ये दो तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि उम्र के साथ, या कई बार किन्हीं को डिस्क का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, उसकी वजह से उस लेवल पे उन दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जगह कम होने लगा और ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है या ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो गया, तो उस कंपनसेशन या उसको जो नेचर कंपनसेट करने की कोशिश करता है, उस दौरान जो बदलाव आते हैं उस स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को हम स्पोंडाइलोसिस बोलते हैं। जी, और जैसे स्पोंडाइलाइटिस जो शब्द है वो बना है जब रीढ़ की हड्डियों में सूजन आए, तो स्पोंडाइलाइटिस उसको बोलते हैं, जैसे एंकलोजिंग स्पोंडाइलाइटिस है या सोरियाटिक या फिर और तरह के जो ये हैं जिसमें सूजन आने लगता है, तो वो एक अलग समस्या है। बट खास करके महिलाओं में जो उम्र के हिसाब से चलें तो शुरुआत में स्लिप डिस्क अगर कम उम्र की महिलाएं हैं तो उस दौरान होता है, जिसमें अगर पैरों में आता है तो साइटिका, आम भाषा में लोग साइटिका जी बोलते हैं, हाँ, तो साइटिक साइटिका नर्व, बोलते हैं। तो पैरों में झंझनाहट, कमजोरियां ये सब होती हैं, और कमर में अगर होता है तो फिर कमर में जकड़न और दर्द ये सब होने लगता है, गर्दन में अगर होगा ये समस्या तो हाथ में झंझनाहट या कमजोरी आ सकता है। तो ये स्पोंडाइलोसिस या स्पोंडाइलाइटिस के बारे में मैंने बताया। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जी जी हाँ ऑस्टियोपोरोसिस को आगे, चूँकि इसको अगर डिस्कस करें तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने बताया BMD या बोन मिनरल डेंसिटी के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बोन मिनरल डेंसिटी जैसे जैसे कम होगा वो एक स्थिति आ सकती है जहाँ हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो स्वतः ही टूट जाए थोड़े जी दबाव में, जो आम दिनचर्या के उसमें कार्यकलाप में ही, या फिर छोटा सा चोट भी लगा, जैसे आपने बताया हड्डी टूट जाती है जी तो हाँ अक्सर ये कलाई के पास या फिर कमर के हिप पास, कमर के कुल्हे के पास, जी पास, हाँ, जी हाँ तो ये हो सकता है। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, एक तो उम्र है, जी हाँ बढ़ता उम्र एक कारण हो सकता है, जैसे मतलब मैंने बताया कि पहले से ही उनकी हड्डी बहुत सही तरीके कमजोर से है, जी हाँ मजबूत नहीं हो पाई खान पान और इनएक्टिविटी की वजह से। दूसरे कई कारण हो सकते हैं जैसे दवाइयों पे हैं, मान लीजिए कोई लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं जिसमें खास करके डायरेटिक ग्रुप्स हैं, या स्टीरॉयड लेना पड़ रहा है अगर स्किन की कोई समस्या है, या कोई और ऐसी समस्या इम्यूनो डिसऑर्डर्स हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसकी वजह से लंबे समय से स्टीरॉयड पे हों, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस से कार हो सकते हैं। अगर कीमोथेरेपी पे हैं, किसी तरह के कैंसर का ये चला है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा गलत लत है, अगर शराब का या धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अलावा कई बार आप कैफीन यानी आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अत्यधिक मात्रा में या चाय लेते हैं, तो ये भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ धकेल सकता है। उसके अलावा अगर डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी, मान लीजिए कोई पेट की ऐसी बीमारियां हैं जहाँ से इंटेस्टाइन आँत की, जहाँ विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है या जी धूप से बिल्कुल वास्ता नहीं है, खास करके जब आप सनस्क्रीन प्रोटेक्शन ज़्यादा फैक्टर यूज़ करते हैं, धूप में जाना नहीं होता है, तो इन सब कारणों से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जी अब बात हम करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये क्या है? जी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा स्पाइन में बताया स्पोंडाइलोसिस है, उसी तरह जब जोड़ों जोड़ आपके ख़राब होने लगते हैं, जब जोड़ में कार्टिलेज और बाकी बोन घिसने लगते हैं, घिसने लगते जी जी, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी तो ये भी दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो एज के साथ वाला है, जैसे बाकी शरीर का हर भाग घिसता है या कमज़ोर पड़ता है, वैसे जोड़, तो खास करके जो एशियन पॉपुलेशन है या इंडिया में जैसे हमारे लोगों में घुटने की समस्या ज़्यादा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वहाँ का होता है, और यूरोपियन या अमेरिकन पॉपुलेशन में हमें हिप जॉइंट का या कमर के बोलने, वहाँ का ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। तो कई और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से काटले जल्दी डैमेज हुए, मान लीजिए किसी को चोट लगा हो जी तो पोस्ट ट्रॉमेटिक उसे बोलते हैं, जिसमें हड्डी हम सही तरीके से ऑपरेशन के बाद भी या इतना ज़्यादा शुरू से ही डैमेज हुआ था कि उसको बचा पाना मुश्किल रहा हो, कार्टिलेज डैमेज हो गया, या फिर टेढ़ा हड्डी टेढ़ी जुड़ गई हो, सही से इलाज ना हुआ हो, तो उस क्रम में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा जैसे रूमेटॉइड मैंने बताया जिसमें जी जी गठियावाद है, या गॉटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहता हो और उसका इलाज प्रॉपर ना हुआ हो, तो उसकी वजह से भी ये हमारे जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता जी अभी आपने जिक्र किया यूरिक एसिड, है। जी आजकल इसका भी नाम बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और ज़्यादातर देखा जाता है कि एड़ियों में दर्द है
और सामान्य सा जवाब आता है कि ज़रूर यूरिक एसिड बढ़ा होगा। तो जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमारे शरीर में मतलब जितने जोड़ हैं उसमें क्या दर्द बढ़ जाता है? जी देखिए, इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर मैं अलग तरीके से देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ भी हैं यूरिक एसिड को लेकर। तो यूरिक एसिड से होने वाली समस्या को यूजुअली हम गाउट बोलते हैं या गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। जी तो यूरिक एसिड निश्चित तौर पे अगर बढ़ा हुआ है तो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं कि हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपको तकलीफ़ देता हो। तो अगर किसी व्यक्ति का जोड़ों में सूजन आ रहा है और डॉक्टर परामर्श देते हैं कि यूरिक एसिड करानी चाहिए और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और बाकी भी तथ्य हैं जो या साइंस जो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये गाउटी आर्थराइटिस है या गाउट उनको हो रखा है। जहाँ तक एड़ी या फिर तलवे के दर्द का सवाल है तो वहाँ कई भ्रांतियाँ हैं। अगर हम अंगूठे का जोड़ या बाकी जोड़ पैरों की उंगलियाँ छोड़ दें तो ये बाकी जगह की जो दर्द है या जो समस्या है, जैसे प्लांटर फेसाइटिस है या टेंडोएक्लिस जहाँ पे हमारी पैर की पीछे की मांसपेशियाँ जाकर एड़ी में लगती हैं जी, हाँ। तो वहाँ जो सूजन होना या हड्डी बढ़ना ये यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता। और कमर दर्द वगैरह तो कतई यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता जी। तो यूरिक एसिड को लेके जो एक कह सकते हैं कि लोगों में धारणा है, भ्रांति जो है, भ्रांति है, उसको भी हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और यूरिक एसिड जहाँ वाकई तकलीफदायक है या यूरिक एसिड की वजह से दिक्कतें हैं, उसको सही तरीके से डॉक्टर के परामर्श से, जैसे प्रायः हम लोग एलोपेरिनॉल या फिर पेविक्जोस्टैट, ये दो तरह की दवाइयाँ होती हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखती हैं। उसके अलावा खान पान में कुछ चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड जिनका बढ़ रहा हो उनको उनको उनसे बचना चाहिए, जैसे बंदा गोभी है, शराब का सेवन है जी, टमाटर है, पालक है, और अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन, क्योंकि अल्टीमेटली यूरिक एसिड प्रोटीन का ही ये बाई प्रोडक्ट है जी। तो इन सब से बचना होगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप दवा और ये सब सावधानियां देकर आप कंट्रोल में रख सकते हैं जी। क्या जिनको यूरिक एसिड की समस्या है उनको बार बार हो सकती है? जी, यूरिक एसिड की समस्या अगर एक बार है जी, तो जैसे मैंने बताया कि इन सब कारणों से ये बढ़ सकता है, मतलब इन तरह की चीज़ों से सेवन से, तो वो हमेशा ही रहने वाला है। लेकिन कई बार ये कुछ समय के लिए भी होता है, अगर खास करके आप ऐसी कोई दवाइयों पे हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो एक ट्रांजिएंट फेज हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि जैसा आपके डॉक्टर सलाह दें उसी हिसाब से चलें, लेकिन प्रायः यूरिक एसिड की समस्या जिनको रहती है वो आजीवन रहता है जी। कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमारी आधुनिक जीवन शैली की अंग बन गई हैं, मैं उन अवस्थाओं का नाम लूंगी और आप हमें बताइएगा कि वो सही है या गलत है। जी, सोते हुए टीवी देखना गलत है, बैठकर टीवी देखना चाहिए जी बिल्कुल, लेकिन उस समय भी पोस्चर सही रखना होगा जी। लगातार कंप्यूटर पर काम करना, मैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको हमेशा रेगुलर 20 से 30 मिनट में एक छोटा इंटरवल लेना चाहिए और कुछ स्ट्रेच आउट जरूर करना चाहिए जी। चलते हुए बाइक पर चलते हुए या ड्राइव करते हुए कंधा गला टेढ़ा करके मोबाइल रिसीव करना, देखिए बाइक चलाते वक्त या कार चलाते वक्त मोबाइल रिसीव करना तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे भी दुर्घटना की संभावना होगी। बट मैं ये कहूँगा कि अगर जो लंबा चलाते हैं बाइक या फिर कार, वो अपने पोस्चर का पूरा ध्यान रखें, शॉर्ट इंटरवल पर ब्रेक लें, स्ट्रेच आउट करना ज़रूरी है, और कई तरह के आप बैक सपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइक में तो संभव नहीं होगा लेकिन कार में डेफिनेटली ये संभव है और वो करना चाहिए। और आपको ऐसा एक लेवल पे अपनी सीट को ऊंचा रखें और बैक को सपोर्टेड रखें जिसमें आपका कमर और इसमें ज़्यादा खिंचाव ना आए, और एट ए स्ट्रेच कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा आप ड्राइव ना करें तो बेहतर होगा। जब भी वक्त मिले आराम तलब यानी सोकर ही समय गुजारना, कसरत बिल्कुल नहीं करना, नहीं ये तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही आपके पूरे शरीर के लिए मैं कहूँ और ख़ास करके मांसपेशियों और हड्डियों के लिए गलत है। आपको वर्कआउट करना चाहिए और 20 मिनट भी निकालें लेकिन निश्चित तौर पर निकालें, और दो तरीके से वर्कआउट हो सकता है, एक तो है जो उसमें स्ट्रेचिंग है, खिंचाव देना जी, दूसरा है जिसमें वज़न उठाना है, दोनों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर कोई जिम जाएं और
काफ़ी वज़न उठाने की ज़रूरत है, लेकिन हल्का फुल्का वज़न उठाने का काम और खिंचाव देने का काम, ये दोनों ही आपके मांसपेशी और हड्डी के लिए अच्छा रहेगा। जी जी, इसके अलावा लगातार अगर घर की महिलाओं की बात करें तो लगातार खड़े होकर काम करना, खिड़की खाना बनाना या दूसरे काम करना गलत है। महिलाएं चूँकि गृहस्थी की मेन पिलर होती हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का उतना ही ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी ये ज़रूरी है कि बीच बीच में ब्रेक लें, और इनफैक्ट वो कई तरीके से अपने खाना बनाने के तरीके में बदलाव ला सकती हैं, और उससे उनको काफ़ी मतलब इस तरह की समस्याओं से बच सकती हैं, जैसे केहनी के में दर्द की समस्या है या गर्दन की या पीठ की, और ख़ास करके अगर घुटने की समस्या तो नीचे बैठ के कोशिश करें कि ना करें, ऊंचे स्तर पर ही बैठकर वो अपने घुटने को आराम दे सकते हैं, तो उनको भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। जी, आपने बात की हाथों की, हाथ के दर्द की, तो हम जानना चाहेंगे टेनिस एल्बो क्या है। जी, ये महिलाओं में खास करके ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ये एक तरह का ओवर यूज सिंड्रोम है। जब आप जी अपने एक खास ग्रुप ऑफ मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे महिलाएं कपड़े निचोड़ने का काम, या फिर जो घर में कुछ खाना बनाते वक्त बार बार एक ही मूवमेंट ऐसे करती हैं, तो इसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे एक्सटेंसर ग्रुप्स हैं, ये यहाँ जाकर जहाँ से वो निकलती हैं उनका जो ओरिजिन है वहाँ वो सूज जाता है जी। तो ऐसे खास करके कार्यकलाप में उनको बार बार दर्द होता है, तो इस स्थिति को हम टेनिस एल्बो बोलते हैं, और इसका निदान भी काफ़ी आसान ही है। इसमें बेसिकली आपको इस तरह के काम जो कपड़े निचोड़ने का काम है, वज़न उठाने का काम है, चाहे वो बाल्टी या कुछ अलग तरह के वज़न उठाते हों आप, और जो ये छुलनी चलाना या फिर जिस तरह से ये किचन के काम है उनको बंद करना चाहिए, ये काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। और एक टेनिस एल्बो वेयर करके भी आता है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, एक बैंड की तरह ये चीज़ है, उसको लगाकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा आप डॉक्टर से मिलें, अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से, आप कुछ दवाइयाँ देंगे एनसेड वगैरह, और उसके अलावा स्ट्रेचिंग बताया जाता है, और प्रायः इससे आराम हो जाता है। कई बार अगर इससे आराम होता नहीं दिख रहा है तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी काफ़ी कारगर है, और कई तरह की फिजियोथेरेपी की विधियाँ हैं जो जिनका इस्तेमाल करके, जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, इससे ये इनमें आराम हो सकता है। जी, अगर हम हड्डियों की बात करें तो कहा जाता है कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन अभी के समय में देखा जाता है लोग सन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में किस तरह से विटामिन डी प्राप्त किया जाए और कैल्शियम प्राप्त किया जाए। जी, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कैल्शियम तो हमें आहार से ही लेना होगा, लेकिन विटामिन डी हमारे नेचर की रोशनी से, जी नेचर ने हमें ऐसा प्रदान किया है कि विटामिन डी हमें नेचर से ही मिल जाएगा, और उसके लिए बस यही है कि आप 20 मिनट तक अपने शरीर का 40% भाग चमड़ी जो धूप को एक्सपोज्ड हो उसमें बैठें 20 मिनट। जरूरी नहीं कि आप काफ़ी कड़ी धूप में बैठें, शुरुआती धूप और बाद का जो मध्य ये के बाद का धूप है उसमें बैठें, तो नेचुरली आपका लगभग 10,000 इंटरनेशनल यूनिट हड्डे मिल जाता है, जो आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। और अगर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पे आपको सप्लीमेंट्स लेना होगा, और आजकल साप्ताहिक और डेली दोनों तरह के सप्लीमेंट्स हैं, बट वो कतई आप खुद से ना लें, विशेषज्ञ की सलाह से और उनकी देख रेख में ही लें, नहीं तो कई बार विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में लेने से उसके हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। जी, यानी हमें इस विटामिन डी को लेने के लिए भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा ना लें, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी में रहती हैं तो उससे तो परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं, जैसे मैंने बताया कि अगर पूरा कपड़े से सारा ढका शरीर हो तो वो फिर पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको स्किन पर डायरेक्ट पड़ना चाहिए जी। और वो आज के जैसे जिस तरह से हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या घरों में रहते हैं या जो कार्यशैली है हमारी उसमें संभव नहीं हो पाता है, तो बेहतर रहेगा कि ये बात का ध्यान रखते हुए कि शरीर का 40% जो आपका स्किन का सरफेस एरिया है वो धूप की किरणों को पड़े, वैसा अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डाइट्री सप्लीमेंट्स भी कई तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं जो एक्स्ट्रा विटामिन डी, जैसे योगर्ट्स हैं या दही है या कई तरह के और आइटम्स हैं, उसका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तो प्राकृतिक है, तो अगर वो निःशुल्क है जी, और वो निःशुल्क है जी, उसके लिए कोई आपको कुछ ये नहीं करना पड़ता, और लेकिन ये भी है कि आप धूप में निकल रहे हैं तो
सन प्रोटेक्शन क्रीम का फिर अगर लगा कर निकलेंगे तो उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं रहेगा। चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या करें, लेकिन हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। तो डॉक्टर निर्मल, हम आपसे आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम अपने दर्शकों से भी लेते हैं विदा। जोहार।